हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपनी एक और नई वीडियो में। तो आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है, बहुत हेल्पफुल वीडियो है। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जैसे कि हम कपड़े पहनते हैं, सभी कपड़े एक साथ पहने नहीं जाते हैं, और फिर हमें उन्हें कैसे रखना चाहिए। तो मैं आज आपको एक दुपट्टा की सहायता से उन कपड़ों को दिखाऊंगी कि किस तरह से हम अपने कपड़ों को बिल्कुल सेफ और छोटे स्पेस में रख सकते हैं। तो बने रहिए मेरी वीडियो में और फुल वॉच करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और मैं दिखाती हूँ अभी आपको, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं। देखिए, एक लूंगी दुपट्टा, और जो कपड़े होते हैं ना, कि जैसे कि हम अब जैसे विंटर है तो हम गर्म कपड़े सभी पहन रहे हैं, और जो वैसे हमारे कॉटन वगैरह के या जो गर्मियों में पहने जाते हैं वो वाले जो कपड़े होते हैं, मैं वो वाले रखने वाली हूँ आज। तो बने रहिए वीडियो में, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो गाइस देखिए, मैंने कितने सारे कपड़े ले लिए हैं, इन्हें मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। और देखिए, मैंने दुपट्टा भी ले लिया है, और अब मैं इस दुपट्टे में रखूंगी इन कपड़ों को। पहले दुपट्टा को ऐसे फोल्ड कर लेती हूँ मैं। देखिए, इस तरह से फोल्ड करके अच्छे से बेड पे बिछा लेंगे। और देखिए, फिर एक एक कपड़ा की अच्छे से तह बनाएंगे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में घड़ी कपड़ों को घड़ी करना, जैसे पैंट वगैरह होती है और हमें कम स्पेस में टी शर्ट, जर्सी, मोटी जैकेट होती है, उन्हें कैसे हमें रखना चाहिए। तो देखिए, तो मैं सबसे पहले इन सभी को घड़ी कर लेती हूँ। जो फोल्ड हुए हैं उन्हें अलग रख लेती हूँ, और जो फोल्ड नहीं है, ये ऐसे ही बिखर गए थे कपड़ा, तो उनको पहले फोल्ड कर लेती हूँ। तो सभी को पहले जल्दी से फोल्ड कर लेती हूँ। और देखिए, ये सभी कपड़े मैंने घड़ी कर लिए हैं, और अब मैं इन्हें रखती हूँ इस वाले दुपट्टे के बीचों बीच। रखते हैं इसको हम धीरे धीरे से, इस तरह से उठाएंगे और इस तरह से रखते जाएंगे। इस तरह से रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर इधर रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर इधर रखेंगे, और फिर उठाएंगे, फिर इधर रखेंगे। देखिए, दोनों तरफ हम बिल्कुल इक्वल रख लेंगे। देखिए, अब हमारे कपड़े दोनों तरफ इक्वल हो गए हैं, और जैसे कि हमें कपड़ा चाहिए तो हम अपने दुपट्टे को निकालेंगे और निकाल के रख लेंगे। और जैसे कि आप इधर से देख सकते हो, इधर से देख सकते हो, हमें सब कपड़े अच्छे से क्लियर दिख रहे हैं, किसी कपड़े में दिक्कत नहीं है कि हमें कौन सा कपड़ा लेना है। तो हम धीरे से हटाएंगे और ले लेंगे। तो अब इसको कर देते हैं, एक इधर से कोना लीजिए, एक इधर से कोना लीजिए, एक धीरे से यहाँ पे नोट लगा दीजिए। देखिए, इस तरह से नोट लगा दीजिए, और फिर इधर से लीजिए और इधर से लीजिए, फिर एक नोट यहाँ पर लगा दीजिए। ऐसी लगानी है, देखिए ऐसी वाली नोट हमको लगानी है, जैसे कि ये वाला कोना हमने पकड़ा और ऐसे करा तो हमारी नोट ऐसे धीरे से खुल जाए, तो हमको ऐसी वाली नोट लगानी है यहाँ पर। अभी मैं आपके साथ, ये तो हो गए हमारे जो मतलब समर वगैरह के कपड़े होते हैं, जैसे हम उन्हें रखते हैं कम स्पेस में रखने हो, तो अब हम इसको उठा के और हम बेड में भी रख सकते हैं, या फिर हम कहीं भी सेफ वगैरह में या कहीं भी संदूक वगैरह में रख सकते हैं आसानी से। तो इसको उठाएंगे और रख देंगे। ये मेरे पास यही थोड़े कपड़े थे, तो इसलिए थोड़े से
इस दुपट्टा में हम और भी ज्यादा कपड़े रख सकते थे और भी ज्यादा इसमें आ जाते, लेकिन मेरे पास थोड़े ही कपड़े थे ये वाले, तो इसमें इसलिए थोड़े कपड़े मैंने सेट कर दिए। और अभी मैं आपके साथ दिखाने वाली हूँ जैसे कि हम रखना चाहेंगे दुपट्टा में अपने जो बिना सिले सूट होते हैं या न्यू जो कपड़े होते हैं पहनने वाले, तो नहीं जो बिना स्टिच वाले, वो मैं अभी आपको रख के दिखाऊंगी। तो ये वाले रख देते हैं अलग। और देखिए मैं अभी कपड़े निकाल लेती हूँ, जो मेरे अनस्टिच कपड़े हैं उनको भी मैं रख के दिखाती हूँ अभी आपको। तो देखिए मैंने एक और दुपट्टा ये वाला निकाल लिया था, देखिए काफी बड़ा दुपट्टा है, तो अब मैं वो वाले सूट निकाल लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये वाले मैंने अपने अनस्टिच वाले सूट जो हैं वो निकाल लिए हैं। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारे सूट हैं, अगर आपको देखने हैं कि मेरे सूटों का कलेक्शन तो कमेंट जरूर करना। तो मैंने थोड़े ही निकाले क्योंकि वीडियो बना के आपको दिखा देती हूँ कि इनको भी हम दुपट्टा में कैसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो फिर से वो प्रोसेसिंग करते हैं, दुपट्टा को कर लेते हैं डबल फोल्ड। देखिए ये वाला मैंने दुपट्टा फिर से बिछा लिया है। और अब ले लेते हैं ये वाले सूट जो मेरे अनस्टिच वाले सूट है, तो एक एक लेंगे इस तरह से। पोलोथिन्स में रखे हुए हैं ये सभी, तो फिर भी इन्हें ऐसे रख लेते हैं। देखिए अगर आप सूटों का कलेक्शन देखना चाहते हो तो तभी मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं आपको एक एक सूट करके दिखाऊंगी कि मेरे पास कैसे कैसे सूट है और किस तरह के हैं। और भी बहुत सारे सूट रखे हुए हैं जो मैंने निकाले नहीं है, बस मैं आपको थोड़े ही सूट रख के दिखा देती हूँ। मेरे पास बहुत ज़्यादा सूटों का कलेक्शन है, एक से एक सूट रखे हुए हैं, तो फिलहाल मैं ये रख के दिखा देती हूँ आपको। देखिए इस तरह से रखो, ये वाले भी दिख रहे हैं, और फिर से इस तरह से इस वाले को भी। यह बिल्कुल सिंपल तरीका है कपड़ों को जल्दी से और सही से रखने का। वही वाली नोट लगानी है फिर से। और देखिए अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, इतने सारे कपड़े थे बिल्कुल जरा से स्पेस में हो गए हैं। और देखिए ये वाले दूसरे वाले, तो अब ज्यादा स्पेस नहीं घिरा इनसे, आप देख सकते हो। देखिए थोड़ी जगह, अब ये हमारे कपड़े रखेंगे हम तो बहुत कम स्पेस लेंगे, तो हम इन्हें आसानी से रख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, शेयर करना और वीडियो को लाइक करना। और अगली वीडियो में किसके ऊपर बनाऊं, अपने सूटों का कलेक्शन दिखाना है या फिर कपड़ों को कैसे घड़ी करती हूँ, जैसे मोटी मोटी जैकेट वगैरह होती है उनको कैसे घड़ी करती हूँ मैं, या फिर जीन्स वगैरह जिससे मतलब कि हमें प्रेस भी ना करनी पड़े और हमारी जीन्स अच्छे से बनी रहे, वो वीडियो बनानी है, तो कमेंट जरूर करना, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी अगर आप कमेंट करोगे। तो अब मैं इस वीडियो का करती हूँ यहीं पर एंड, बहुत जल्द मिलूंगी आपसे एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक बाय।